हेलो गाइस, आज मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेथी के पराठा बनाना। मेथी को मैंने ये लंबा लंबा होता है इसको ऊपर से काट ली हूँ और इसको अच्छे से पानी से तीन चार पानी से अच्छे से साफ धो लिए हैं। अब इसको पतला पतला काटेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं काटना। इसको आप जितना बारीक काट सकते हैं आप काटिए और अच्छा बनता है। मेरे से ज्यादा बारीक नहीं होता तो मैं थोड़ा आपको दिखा रही हूँ कैसे काटती हूँ मैं। साग को बारीक काट लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा ऐसे मल लेंगे और इसको डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कलौंजी। अब इसमें आटा मिला लेंगे और आटा को उसी तरह गूंथेंगे जिस तरह आप रोटी का करते हैं। तो हो गया आटा। इन सबको अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। आपको तीखा खाना पसंद है तो ज्यादा डालेंगे, नहीं तो आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें हरी मिर्च काटा हुआ डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। तो आटा ये गूंथ के तैयार हो गया। अब मैं पराठा बना रही हूँ। हो गया 15 मिनट इसे गूंथे हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। शेप में बेल देंगे, सर्कल गोल गोल। पतला पतला थोड़ा, जैसे आप रोटी बनाते हैं उसे थोड़ा सा ज्यादा। और इसमें ऊपर से तेल डाल के आप इसको सूखा भी ऊपर से बटर डाल के खा सकते हैं अच्छे से सेक के। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालती और इसको दबा दबा के थोड़ा सेक लूंगा। मेथी के पराठा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं, आप इसको दही रायते के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चटनी या नारियल के चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है और ये सर्दी में ही मेथी अच्छा मिलता है, इसलिए सर्दी में ही बनाते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।